वेलकम टू माय ब्लॉग। इतनी तेज बारिश हो रही, क्या बोलो। पर हमारा पिंटल खराब हो गया था। इसका मतलब पिंटल तो नहीं खराब हुआ था, उसकी वो क्या बोलते हैं, कार्टरेज खराब हो गई थी, सूख गई थी तो उसको फिल करवाना। हाँ। Hey guys, welcome back to my new vlog। और ये देखो हम तीनों जा रहे हैं, नेहरू प्लेस जा रहे हैं कुछ काम से। नेहरू प्लेस जा रहे हैं समझ सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम ही होगा। इसीलिए जा रहे हैं कि इनका जो न्यू फोन है उसमें ग्लास डलवाना है, एंड मेरा जो फोन है ग्लास तो नहीं डलवाना। क्यों अभी नहीं 50 के जमाने गए? नहीं तो 50 नहीं चलेगा, तो ही लगाऊंगा, नहीं तो नहीं गए जमाने, ग्लास लगाने ही नहीं है। एंड मेरा जो फोन है ना, मेरे फोन का भी ग्लास फूट गया है, तो बटन नहीं निकालो तो उसमें मुझे भी डलवाना है ग्लास। हां क्या फूट गया है? फोन का ग्लास। किसी से पूछवाना? टेंपर्ड मैडम, अभी तुम्हारा बिल्कुल सही है, क्रैक से कुछ नहीं होता है, वो भी ना इनविजिबल क्रैक है। तो अभी हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस, और वहां पे हमें कुछ काम, प्रिंटर की जो कार्ट्रेज होती है ना वो, उसकी इंक सूख चुकी है, सो वो भरवाना है। एक दो काम और हैं इनका, जो भी हो इनका जो भी हो काम, ये अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। ओहो, और ये देखो बाहर का मौसम, देखो बाहर हो रही है बारिश, एंड हम बहुत मस्त मस्त मौसम में बाहर निकले हैं घर से। सो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, एंड दिल्ली का हाल देखो क्या है, सड़कों का हाल, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अभी इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, कितना, एक आध घंटे ही होगी, मतलब तेज वाली अगर बोली जाए तो। नहीं थोड़ी बहुत तो हुई थी, मतलब तक नहीं हुए थे, ऊपर गए थे तो आप बाद में गए थे। सो ये गए हुए थे आज ऊपर छत पे, वैसे ये जाते नहीं है, मुझे धक्का दे दे के इनको ले जाना पड़ता है ऊपर की, चलो चलो थोड़ा घूम के आते। आज ये अपनी इच्छा से गए और मुझे लेके नहीं गए थे, और ये पता है गिर के आ गए। ये देखो इनके हाथ में चोट आ गई, कमर में चोट आ गई है, सो इनकी बॉडी हो गई है थोड़ी थोड़ी फ्रैक्चर, मतलब ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं ना तब थोड़ा सा इनको दर्द हो रहा है ना, ऐसे हाथ अगर ऐसे कर रहे हैं ना तो इनको दर्द दे रहा है, वैसे कुछ नहीं है, और थोड़ा सा ना इधर यहाँ पे भी लग गया है इनको, सो है ना दो ही जगह लगाते ना, मुझे यहाँ लग गई थी। और ये रुद्रांश को, मतलब जब ये ऊपर से आ रहे थे ना तो सीढ़ियों पे पानी था, तो वो पानी में ना फिसल गए, ये को ज्यादा ऊपर से नहीं गिरे, थोड़ा 3-4-5 सीढ़ी होगी, सो वहाँ से फिसल गए थे। और इसको भी पकड़े हुए थे तो इसको बचाने के चक्कर कल हम लोगों को कहीं निकलना है ना, कल सुबह सुबह निकलेंगे हम, और कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। सो अभी हम गाड़ी का टैंक फुल करवा लेते हैं। हाँ दिख गया बेटा हमें, एकदम सारे पेड़ ना अच्छे से धुल गए हैं, साफ हो गए ना, तो एकदम पत्तियां कितनी अच्छी लग रही है ना। ये वाले कौन से? ऑर्चिड नहीं, ऑर्चिड के नहीं है, ये वाला कौन सा है भैया? ये रजनीगंधा। हाँ रजनीगंधा, ऑर्चिड का वो वैसा रहता है पर्पल कलर का, वो अच्छा था। अरे लाइन से आ रहे हैं यहाँ देखो, और ये चले गए हैं मार्केट के अंदर, चले गए हैं जो भी इनका था ठीक करवाने का वो सही करवाने के। हम लोग गाड़ी में ही बैठे हैं क्योंकि मौसम एकदम ना थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, एंड सब जगह पानी पानी भरा है, फिर हम गाड़ी में ही बैठे हैं, एंड वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को निकलना है स्टेशन के लिए। स्टेशन क्यों जाना है वो ब्लॉक में बने रही तो आगे पता चल जाएगा। सो स्टेशन जाएंगे और क्या है, आई क्लोज मास्क। अच्छा ये इन दोनों में से किसी में मास्क होगा, क्या करना है मम्मा को? आपको ढूंढना है। ओके मम्मा को ढूंढना है, 1-2-3 जीत गई। जा रहे हैं स्टेशन, मम्मी पापा एंड अमन आ रहे हैं तो उनको लेने के लिए जाना है, तो हमने सोचा कि ये वाला काम भी हो जाएगा वो भी, बट हम इतने लेट निकले और ट्रैफिक की वजह से और ज़्यादा लेट हो गए, ज़्यादा देर हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, और यहाँ से भी हम लोग फटाक से निकलते हैं और उन लोगों को जाते हैं वहाँ स्टेशन से पिकअप कर लेंगे। क्या हुआ, हो नहीं पाएगा? नहीं क्यों, रिपेयर करने में आधा एक घंटा लगेगा। सो नेहरू प्लेस से निकल आए
एक ही काम हुआ है, वो जो 50 रुपए का काम क्या बोल रही है, कार्ट्रेज जो भरवानी थी ना, बस वो ही भरवा पाई है और कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम लोग तो गए नहीं थे, यही गए हुए थे, तो बोल रहे थे इतना ज्यादा पानी था ना कि मेरे पैर डूब गए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन और पापा पहुंच गए हैं स्टेशन, तो जाते हैं उनको लेने के लिए। जेंटलमैन जैसे खड़े हो जाऊंगा। अच्छा क्यों, जेंटलमैन जैसे खड़े क्यों हो जाओगे? उनको डराने के लिए। आपसे डर जाएंगे वो? ओके, और क्या करोगे? मस्ती नहीं करोगे मामू के साथ? घर पे आके मस्ती करूंगा। उन शाम की लाइट भी चालू हो गई है, बारिश हो गई है एंड जगह भी सूखना स्टार्ट हो गई है। अमन का फोन आया था, कहाँ पहुंचे हैं? हमने बोला अभी हमको टाइम लगेगा, रुको 1 मिनट रुको, मुझे चेक करने दो। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, अमन को मैंने बोला था 1 नंबर से एग्जिट करना है, बट वो पता नहीं कौन सा, शायद 7 से एग्जिट कर गया है, तो वो कहीं और है और हम लोग कहीं और है। सो अभी ये गए हुए हैं उधर के देखने के लिए। रख दो फोल्ड करके, बस बस मामी। वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, बंद कर दूं? आपको चाहिए क्या? चाहिए ये क्या चाहिए? डोनट सिर्फ है आपके। कितने का है? घर पहुंचते हमको काफी लेट हो गया था एंड फिर उसके बाद खाना बनाया और सब लोग साथ में बैठ के यहाँ खाना खा रहे हैं एंड कितना अच्छा लग रहा है, मम्मी सबको सर्व कर रही है और हम सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोग नीचे ही बैठे हैं। आज मॉर्निंग में हमें ये पार्सल रिसीव हुआ था और ये पार्सल है मिस्टर अमन कुमार का, ये देखो ओपन कर रहे हैं अपने पार्सल को एंड इसके अंदर क्या है अमन के लिए सरप्राइज। ओपन ही हो रहा, तेरा तो बहुत पैक होके आया, जिया जी का नहीं आया था इतना पैक होके। स्माइल ना देखो। है अमन का फोन, न्यू आईफोन क्यों? मैकबुक कहाँ है? मिनी मैकबुक कुछ और है, फोन नहीं लग रहा है, सावन की गट्टी तो नहीं है, 5 रुपए वाली है। हद है यार, एक फोन नहीं खुल रहा है। ला मैं ओपन करूंगा। अरे टेप लगा है, तू कहां से ओपन कर? टेप लगा था उसमें, ओपन कहां से? ओहो चार्जर ज्यादा बड़ा आया, ईयरफोन खा गए थोड़े साथ में। कब नहीं आया तेरे फोन में? ये हरिद्वार की बटिया है। फोन का आ गया है एकदम न्यू चकाचक फोन, अब अमन करेंगे इससे पढ़ाई। फोन से पढ़ाई होती है। So, ये देखो टाइम हो रहा है, दबाव में किसने दबाव डाला था? तो बस अभी हम सोएंगे, बज रहा है 11, मम्मी को आ रही बहुत तेज नींद, खाना पीना हमारा हो गया है एंड मम्मी देखो क्या लेके आए, अमरूद। मम्मी ने ना फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ खाना खाया, तो मम्मी जब हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, जब माँ बेटी के घर आती है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ देती है, मतलब फर्स्ट टाइम जब खाना खाती है, तो मम्मी मेरे लिए सूट लेके आई है, ये देखो सूट एंड बाकी ये खोल के बाद में देखेंगे। गाइस हमारे घर नानू नानी आ गए हैं। सो मॉर्निंग में हमको कहीं निकलना है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, चलें सोने के लिए। नानू नानी आ गए, जो बहुत मस्ती हो गई आपकी है, ते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और इस ब्लॉग का एंड करते हैं। Thank you.